A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying about staff selection, meaning, characteristics, as well as the process of selection. Okay, so in this and this is for class 12 ISE. स्टाफ सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन, हम लोग ने इससे पहले रिक्रूटमेंट पढ़ा था, रिक्रूटमेंट के बारे में हमने जाना था कि वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसमें आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को मोटिवेट करते हो कि वो आकर के अपनी आपकी कंपनी में मतलब अप्लाई करें, ठीक है. बट स्टाफ सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि वहां पर आप पीपल को शॉर्टलिस्ट करते हो जो जो कैंडिडेट्स आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, आप उनको हटाते हो, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ नेगेटिव प्रोसेस. ओके, तो दिस इज अ केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल अवेलेबल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको देखना परखना, सो एज टू चूज द मोस्ट सूटेबल वन, जो सबसे सही उसमें से होगा आप उसको चूज करते हो, सो दैट जो जॉब वेकेंसीज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको फुलफिल किया जाए, उसको फिल किया जाए. इसीलिए जो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, एटीट्यूड या पर्सनालिटी, ये सारी चीजें जो है वो कंपेयर की जाती है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, जॉब के लिए क्या चाहिए और उस पर्सन के पास कौन सी स्किल्स है वो सब इसमें देखी जाती है. एंड यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, वो जिनको हम सिलेक्ट करेंगे और वो जिनको हम रिजेक्ट करेंगे. ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है कि मतलब अब इसमें दो दिए हुए डेफिनेशन, सो यू कैन टेक ईदर ऑफ दोस, कोई भी एक लर्न कर लोगे सफिशियंट है. सबसे पहले दिया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से यू चूज द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द करंट पोजिशन या फिर फॉर द फ्यूचर पोजिशन, दिस इज गिवन बाय डेल योर्डो. और सेकेंड है दैट दिस इज इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स in order to identify and hire those with greater likelihood of success in the job, उन लोगों को select करना, differentiate करके उन लोगों को select करना, उन लोगों को hire करना जिनकी greater opportunity है या greater likelihood या probability है कि वो उस job में बहुत ज्यादा successful होंगे in terms of organizational benefits also and in terms of their own benefits also. फिर इसमें दिया हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी इन केस इसमें से कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए. सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है इन जनरल, तो यू हैव टू स्टडी दिस, ठीक है. अब स्टाफ सिलेक्शन पहली चीज दी हुई है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं. फिर इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन जनरल वी आई एम टेलिंग यू, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल, मुझसे बहुत बार ये सब चीजें पूछी गई हैं. तो इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस जहां पर जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, सो एज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वन, जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, जो अनसूटेबल वन है उनको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है. फिर इसीलिए जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो दे आर मच मोर देन द कैंडिडेट्स दैट आर सिलेक्टेड. देन ये जो सिलेक्शन है इट सक्सीड्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद हमेशा सिलेक्शन आता है, ठीक है, वही चीज इसमें दी हुई है. फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिलेक्शन इन्वॉल्व्स मैचिंग द कैंडिडेट विद द जॉब, ये देखना कि द कैंडिडेट्स आर मैच्ड अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स. अब इसमें देखो क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट फिटिंग स्क्वायर पेग्स इनटू स्क्वायर होल्स. फिटिंग स्क्वायर पेग्स इनटू स्क्वायर होल्स का क्या मतलब होता है? ओके, वेट, आई एम टेलिंग यू, ये देखो. ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर जिसमें ये चीज दी हुई है कि स्क्वायर पेग्स को हम स्क्वायर होल्स में डाले, दीज आर स्क्वायर होल्स, और उसके बाद हम उसी को ही मतलब टू फिट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब या टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हम लोग इसको यहाँ पर इसी स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, टू फिट स्क्वायर पेग्स इनटू स्क्वायर होल्स, ठीक है. फिर आता है डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. अब देखो ये जो डिफरेंस बिटवीन है, इसमें मतलब ये जो चैप्टर है इसमें आपके सिर्फ कुछ ही चीजें हैं दैट आर इन योर कोर्स. सबसे पहला चीज ये हुई है सिलेक्शन का मीनिंग, ठीक, प्रोसेस,
प्रोसेस में सबका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन प्लस इम्पोर्टेंस, और लास्ट में दिया हुआ है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में डिफरेंस. व्हेन आई सॉ द चैप्टर इन द बुक, वेयर इज द बुक, ये गोयल ब्रदर्स की जो बुक है, जब हमने इसमें देखा था, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरव्यू टेस्ट, साइकोलॉजिकल साइको एनालिटिक टेस्ट, बहुत सारी चीजें दी हैं. तो अभी के लिए आई एम नॉट टेकिंग इट इनटू अकाउंट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू, आई एम नॉट, मतलब आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट इन द लेसन्स. वो इसलिए क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन योर कोर्स. अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरा स्टडी करेंगे, व्हेन आई विल फाइंड कि हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसमें आए हैं, दे आर रिपीटेड, देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तब तक के लिए यू कैन स्टडी सिलेक्शन का जो मेन इसमें पूछा जाता है, दैट इज योर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये एक एक्टिविटी होती है. वी आर एस्टैब्लिशिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स के बीच में जो एक एक्टिविटी, मतलब यू टेक द एक्टिविटी जो दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है. द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग द पीपल, द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग जॉब्स टू द पीपल इज नोन एज रिक्रूटमेंट. और ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप कॉम्पिटेंट एंड सूटेबल एम्प्लॉयज. और ये कौन सा प्रोसेस होता है, व्हेन यू आर पिकिंग अप कॉम्पिटेंट और सूटेबल एम्प्लॉयज. ये जो है, ये कैंडिडेट्स को एनकरेज करता है जॉब के लिए, और यहाँ पर जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स है सिलेक्शन में, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. देन कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट में, कैंडिडेट्स हैव नॉट टू क्रॉस ओवर मेनी हर्डल्स. रिक्रूटमेंट में देयर इज ओनली, सिर्फ आपको जाकर के अप्लाई करना है सफिशिएंट फॉर रिक्रूटमेंट, कि भाई वो प्रोसेस वहीं से शुरू हो गया है. ओके सॉरी. तो यहाँ पर उनको कोई मल्टीपल हर्डल्स नहीं क्रॉस करने होते, बट यहाँ पर देयर आर मल्टीपल हर्डल्स टू बी क्रॉस. ये एक पॉजिटिव अप्रोच होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कैंडिडेट्स को ऑफर कर रहे हो कि मोर एंड मोर कैंडिडेट शुड कम टू द कंपनी एंड अप्लाई. और यहाँ पर नेगेटिव होता है प्रोसेस, क्योंकि जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको आप रिजेक्ट कर देते हो. इट प्रोसीड सिलेक्शन, इसके बाद सिलेक्शन आता है रिक्रूटमेंट के, और इट फॉलोज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आता है, तो इट फॉलोज रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन जो है रिक्रूटमेंट के बाद आता है. ओके, तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हो, फिर उनसे फॉर्म भरवाते हो, फिर एक सिलेक्शन टेस्ट होता है, सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. कुछ इसमें एक आध चीज गायब भी हो गई होगी. रेफरेंस चेक्स होते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है, और प्लेसमेंट होता है. फाइनल चेक्स या फाइनल अप्रूवल और प्लेसमेंट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेरा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. वैसे तो 9 टॉपिक्स है, कुछ इसमें एक रह गया है. तो सबसे पहला मेरा आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ये पता है, अब जो एक जनरल सेंस में देखा जाए तो अब ये चीजें ज्यादातर कब होती है, फोन पर होती है, कि वेन एवर अ पर्सन हैज अप्लाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पर उसको कॉल करके या उसको एक नॉर्मल ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर के या फोन पे ही बात करके उनसे पूछ लिया जाता है कि ओके व्हाट आर यू डूइंग. मतलब वहीं से ही पर्सन को समझ में आ जाता है कि वेदर द पर्सन इज सूटेबल फॉर बीइंग एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री और इन द एंटरप्राइज और नॉट. तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है, हियर वी हैव टू चेक वेदर कैंडिडेट फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशंस और नॉट. ठीक है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जनरली जो क्या होता है, इट इज वेरी क्वाइट, इट इज वेरी ब्रीफ. इट एम्स टू एलिमिनेट जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स है, कि भाई एकदम स्टार्टिंग में ही इफ दे आर नॉट क्वालिफाइड, हम उनको उसी समय ही हटा देंगे. जॉब सीकर्स जो है, दैट आर रिसीव्ड एट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ द कंपनी. यूजुअली जॉब सीकर्स जो होते हैं वो दे अप्लाई फॉर द जॉब्स, और रिसेप्शनिस्ट या कोई ऑफिशियल जो होता है वहां पर उनका इंटरव्यू लेता है. ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू नीड टू अंडरलाइन इट. ठीक है, तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है या कोई ऑफिशियल होता है वो इंटरव्यू लेता है, वो देखने के लिए कि वेदर द पर्सन इज लिटरली केपेबल ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब, या उसको हम फॉर्म भरवाएं भी कि नहीं भरवाएं.
वो कैंडिडेट्स जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं और आर हैविंग द चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन टर्म्स दैट दे आर प्रेजेंटेबल, दे हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उनको वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है एप्लीकेशन ब्लैंक जिसे कहते हैं वो दे दिया जाता है। अब कुछ एक आध दो आध फायदे आपको उसके हर उसके पढ़ने पड़ेंगे। ड्रॉबैक्स आर नॉट इन द सिलेबस सो आई विल नॉट एक्सप्लेन देम। अगर क्वेश्चंस में होगा तो हम वो डायरेक्टली पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर्स में कर लेंगे। द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी सबसे पहली चीज क्या करता है, इट सेव्स अ टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉयर कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं अगर आप हर किसी का इंटरव्यू लोगे तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए शॉर्टर सेंस में जो मतलब जो वहां के ऑफिशियल्स या रिसेप्शन पे जो होते हैं वही पहले ले लेते हैं, तो उससे एम्प्लॉयर का समय बच जाता है। कैंडिडेट्स भी जो लॉन्ग ट्रबल ऑफ पासिंग थ्रू लॉन्ग प्रोसीजर है उससे भी वो लोग बच जाते हैं कि भाई इतना हमने प्रोसीजर में काम किया और उसके बाद फिर हम रिजेक्ट हो गए, तो उससे भी वो लोग बच जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई हो जाते कि ओके दे हैव वेल प्रेजेंटेड देमसेल्व्स इन प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उनसे जो है वो फॉर्म भरवाया जाता है। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इट प्रोवाइड वो जितने भी रिलेवेंट डिटेल्स होती हैं अबाउट द पर्सन कैंडिडेट, ठीक है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है वो प्रोवाइड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर डिटेल्ड और परमानेंट रिकॉर्ड दिया जाता है कैंडिडेट का कि सम डे सम अदर डे जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था तो वो डिटेल्स कंपनी के पास रहती है। कैंडिडेट की सूटेबिलिटी और इंटरेस्ट फॉर द जॉब भी इसमें, कुछ क्वेश्चंस भी इसमें ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि वेदर कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन द जॉब और नॉट, और कुछ टेंटेटिव इन्फ्रेंसेस आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम इट, मीन्स कुछ कंक्लूजन होते हैं जो इसमें से ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है कि आप इसमें कौन सी पोजिशन, सैलरी, डिजायर्ड सैलरी, ओके, उसके बाद डेट अवेलेबल फॉर वर्क का, आप कब से शुरू कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की कहाँ कहाँ आप काम किए हैं अगर कहीं किए हैं तो, और उसके बाद रेफरेंसेस की एक आध दो लोगों का नाम इसमें लिख दो किस उस पर्टिकुलर कंपनी में ही वो इंसान काम करता है, वेल एंड गुड, नहीं है तो कहीं बाहर का, कि कभी अगर हम उनको फोन करके पूछें तो एटलीस्ट वो हमें बता पाए कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। फिर ये जो एप्लीकेशन ब्लैंक है इट सर्व्स अ बेसिस फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्या होता है मतलब मैंने इतने इंटरव्यूज फेस किए कि यूजुअली वट एवर यू विल राइट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म और इन योर सीवी आपसे जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी से रिलेटेड ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सीवी में हमेशा बहुत ही सोच समझ करके चीजें लिखनी चाहिए। देन जनरली एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है इट कंटेन्स कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो वो कंटेन करते हैं, दैट इज योर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंट्स कौन कौन है आपके फैमिली में, फिर उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, आईसाइट, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, एजुकेशन हो गया कि आपने कितना पढ़ाई लिखाई किया है, अगर पढ़ाई लिखाई किया है तो, एक्सपीरियंस, जॉब्स कितनी की है एम्प्लॉयर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ड्यूटी क्या क्या परफॉर्म किया और पैसा कितना मिला उसके लिए, और उसके बाद लास्ट में रेफरेंसेस दिए होते हैं, तो ये सारी चीजें फॉर्म में भरते हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है कि अगर आपने कुछ किसी गेम्स में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, हॉबीज, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, कोई CA CS कर रहे हैं या LLB या कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द प्रोफेशनल बॉडीज, ICAI हो गया, ठीक है, बार काउंसिल हो गया, तो उसी की ही अगर आप मेंबरशिप में हैं तो यू हैव टू राइट द नंबर्स और एप्लीकेशन नंबर जो भी उसमें मिलता है आपको, एक कोड, वो सारी चीजें इसमें लिखनी होती है फॉर्म में। फिर बेनिफिट्स पूछा गया है कि ये जो स्क्रूटनी ऑफ द फॉर्म है वो कुछ कैंडिडेट्स जिनको एजुकेशन या एक्सपीरियंस में वो सूटेबल नहीं है दे आर
ऑब्वियसली रिजेक्टेड, फिर इस ये हेल्प करता है कि हम क्वेश्चंस पूछ सके, कैसा होना चाहिए इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है इट शुड बी ड्यूली फिल्ड इज इन ऑल्सो कॉल्ड, मतलब जो इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं, बायोडेटा या करिकुलम विटाए भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के बारे में जो फैक्ट्स इंफॉर्मेशन होती है उनको लिखने के लिए बनाते हैं। सीवी जो होती है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू रेज्यूमे, रेज्यूमे थोड़ा सा शॉर्टर होता है, डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन आपके बारे में होती है दैट इज इन योर सीवी। देन इट इज ऑल्सो यूज एज अ बेसिक रिकॉर्ड फॉर पर्सनल डेटा फॉर दोज फाइनली सिलेक्टेड। अब आता है मेरा सिलेक्शन टेस्ट। तो यही कुछ काइंड ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है विच आई एम नॉट टेकिंग इन टू फॉर टूडे, क्योंकि जब ये मुझे मिलेगा कि आपके कोर्स में ये चीज पूछी गई है देन आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। फिर दिया हुआ है सिलेक्शन टेस्ट जिसमें जब भी एप्लीकेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर लिया जाता है तो कुछ कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू किया जाता है बाद में, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख लो, प्री और मेंस होते हैं तो समझ लो ये वही मेन एग्जाम है। दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ह्यूमन ट्रेट्स एंड वर्क बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय सैम्पलिंग, कि भाई हम उनका मेन एग्जाम ले रहे हैं, अगर उनको नॉलेज है तो वी वुड एक्सपेक्ट कि वही सेम नॉलेज वो लोग अपने एक्सपीरियंस या फिर वर्किंग लाइफ में भी शो करेंगे। ओके ओके। देन इंडिविजुअल्स जो है दे डिफर इन देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल क्वालिटीज। कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं दैट आर यूज्ड टू जज दीज क्वालिटीज। अब कौन कौन दीज टेस्ट आर हेल्पफुल इन मेजरिंग कैंडिडेट की जो सूटेबिलिटी होती है वो जॉब के लिए, बट वो समटाइम्स आर नॉट फुली रिलायबल एंड समटाइम्स इट इन्वॉल्व्स टाइम एंड मनी ऑल्सो। तो ये जो टेस्ट होते हैं दीज आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अनसूटेबल कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से जो सही नहीं होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है ऑलरेडी। देयरफॉर टेस्ट जो है इट शुड बी सप्लीमेंट रादर देन इंडिपेंडेंट टेक्निक। एक सप्लीमेंट टेक्निक साथ साथ में होने वाली होनी चाहिए कि भाई हम सिर्फ टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं करते, इसीलिए सिलेक्शन के टाइम पर टेस्ट के बाद इंटरव्यूज भी होते हैं, ठीक है। देन कम्स द सिलेक्शन और द फाइनल इंटरव्यू जिसमें आप सैलरी डिस्कशन ये सब चीजें भी करते हो। तो ये एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। अभी तक एम्प्लॉयर से तो एम्प्लॉय मिला ही नहीं था, कैंडिडेट मिला ही नहीं था। सिलेक्टर्स जो होते हैं वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। दिस द वे जो कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्स करता है टू द क्वेश्चन। ओके, ये इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ये जो पिक्चर है इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट मूवी थ्री इडियट्स जिसमें लास्ट में एक इंटरव्यू का सीन दिखाया गया था, एक पैनल ऑफ पीपल बैठे थे और उसमें ये चीज दिखाई गई थी। देन द ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन ब्लैंक और टेस्ट में है, क्या एक्चुअल में वही पर्सन है सामने, उसके उस उतनी ही नॉलेज जितनी उसने उस टेस्ट में दिखाई है उतनी उसको एक्चुअल में है भी कि नहीं। देन टू गिव एन अकाउंट सॉरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब एंड द कंपनी। जो जॉब और कंपनी की एक सही से पिक्चर देने के लिए भी इंटरव्यू रखा जाता है। इंटरव्यूज जो होते हैं दीज आर यूज्ड स्टेप इन सिलेक्शन, मोस्ट वाइडली यूज स्टेप इन सिलेक्शन एम्प्लॉय सिलेक्शन। कुछ क्वालिटीज हैं जो एक इंटरव्यूअर सिर्फ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में ही जज कर सकता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कभी भी अगर एक पैनल बैठ रहा है इंटरव्यू के लिए, पैनल में बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं इंटरव्यू के लिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो इंडिविजुअल्स इन द पैनल जो है दे नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि वो जो टाइम है अमंग देमसेल्व्स वो डिवाइड कर ले। आपने ये चीज देखी होगी द मूवी थ्री इडियट्स का, क्योंकि वो बहुत कॉमन मूवी है, सबने ऑलमोस्ट सबने एटलीस्ट वंस तो देखी होगी। तो उसमें हम देखा होगा कि व्हेन अ फ्यू पीपल वन टू पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस, तो वो अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आप इतने समय पूछोगे हम इतना पूछेंगे, एक आप पूछोगे एक आप पूछेंगे दो हम पूछेंगे। तो ये जो डिवाइडिंग होता है ये नहीं कि दो लोग एक साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट डिवाइडिंग द टाइम अमंग देमसेल्फ। जितने भी मेंबर होते हैं दे नीड टू
कंप्लीट वट एवर ही इज एक्सप्लोरिंग बिफोर अनदर मेंबर गेट्स इन टू एक्शन, की एक पर्सन पहले पूछ ले फिर अगला पर्सन उसका उससे सवाल पूछे. इंटरव्यूज जो होते हैं दे शुड बी कंडक्टेड. इंटरव्यूज कैसे, एक सुंदर से प्रॉपर से फिजिकल एनवायरमेंट में, साफ सफाई में, वेल मेंटेन वेल फर्निश्ड फिजिकल एनवायरमेंट में होने चाहिए. रूम जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम नॉइज एंड इंटरप्शन, शोर नहीं होना चाहिए वहां पर. जो एनवायरमेंट है वो क्वाइट और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि कहीं में भी इशू हो गए इंटरव्यू लेने के लिए कि हम ढंग से आपसे बात ही नहीं कर पा रहे. तो इसीलिए सो दैट अ पर्सन कैन टॉक टू यू फ्रीली एंड फ्रैंकली, इट शुड बी द एनवायरमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल एंड कंफर्टेबल. कैंडिडेट शुड बी पुट एट केस, कि मतलब वहां पर समझ लीजिए भाई कैंडिडेट है उसको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की जरूरत है. इंटरव्यूअर को पूरा ध्यान देना चाहिए जो भी कैंडिडेट उससे बोल रहा है. ओके, नेक्स्ट कम्स ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन एक कैंडिडेट को कोई भी अपॉर्चुनिटी, वेन एवर जब भी एक इंटरव्यू होता है तो उसको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर वो उसको नहीं शो कर पाता है. तो ये चीजें कब शो कर पाता है, वो व्हेन देयर इज ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, तो ये जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं ये एक यूजफुल मींस है जजिंग द लीडरशिप क्वालिटी और सोशल ट्रेट्स की. सोशली वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितनी उसकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग है कि चार लोगों के बीच में वो स्टैंड लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है. ठीक है, तो इसमें ग्रुप डिस्कशन में जो प्रॉब्लम है इट इज गिवन टू 8 to 10 कैंडिडेट्स. ऐसे करके देखो आ करके एक पर्सन है जो यहाँ बोल रहा है, मैं बोलूंगा. ठीक, मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के वो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से. जो ऑब्जर्वर होता है वो डिस्कशन को गाइड करता है, देखता है कि भाई कोई सही सब चीज है, मतलब दे आर यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज, व्हाट दे आर डूइंग, क्या वो बात कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी टू अग्रेसिव इन नेचर. देन ही रिकॉर्ड्स हाउ मेनी टाइम्स किस ईच मेंबर ने बात किया है, रिएक्ट किया है और अपने व्यूज को सामने रखा है. फिर कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं, डिस्कशन को लीड करते हैं, और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं. जो लीडरशिप क्वालिटीज, बिहेवियर, जजमेंट है हर मेंबर का, दे कैन बी जज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड. जो बिहेवियरल द बिहेवियर ऑफ अ मेंबर जो है, इट माइट हैव बीन अग्रेसिव या फिर कोऑपरेटिव, ये दोनों ही चीजें हो सकती है. ओके, नेक्स्ट कम्स अ सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसीजर. मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें ये देखा जाता है कि कैंडिडेट कोई भी सीरियस डिजीज से नहीं जूझ रहा है और वो हमें 100% आउटपुट दे पाएगा. ठीक है, तो इसीलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है. एक मेडिकल चेक होता है दैट इज डन बाय पैनल ऑफ डॉक्टर्स, जो ये इंश्योर करते कि जो पर्सन है वो हेल्दी है, फिजिकली फिट है फॉर द जॉब. ये इंश्योर करता है कि उसको कोई भी सीरियस इलनेस नहीं है. फिर हम लोग रेफरेंसेस चेक करते हैं. रेफरेंस चेक करना इन द सेंस कि जो भी पर्सन ने नेम नंबर दिया है उनको फोन करके या उनसे एनी ऑफ द तरीके से उनसे बात करें और उसके बाद हम पूछे उनसे कि हाउ द पर्सन, हाउ दिस कैंडिडेट इज इन टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स. ओके, टू is required in the application form the names and addresses. जो भी candidate ने दिए names and addresses, दो responsible people के जो उनको जानते हैं उनसे हम बात करते हैं. ये जो people होते हैं they are contacted in writing या फिर telephone to collect some information about the background, abilities, character of the candidate. फिर लिखा है, अब देखो जैसे क्वेश्चन जैसे पूछे गए, हाउ डिड दे सपोर्ट कोवर्कर्स, हाउ डिड दे हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, देन हाउ अबाउट प्रेशर या स्ट्रेस, वो कैसे काम किए थे, वॉज दिस पर्सन प्रमोटेड एट योर कंपनी, डिड दिस पर्सन मिस अ लॉट ऑफ वर्क, क्या ऐसा कुछ था कि वो टाइम पर आते थे या लेट थे या कोई ऐसा काम डेडलाइन था जो वो मिस कर देते थे. देन ये जो रेफरेंसेज है मे नॉट गिव फ्रैंक ओपिनियन. समटाइम्स क्या होता है कि ये जो रेफरेंसेस जब आप चेक करो वो जरूरी नहीं कि सही से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए. अ प्रॉमिस, अनलेस अ प्रॉमिस इज मेड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और जरूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा सही ही हो. ठीक है, फिर है फाइनल अप्रूवल. फाइनल अप्रूवल जो है वो कैंडिडेट हु आर फाउंड सूटेबल आफ्टर मेडिकल चेकअप, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, उनको हम फॉर्मली अपॉइंट कर लेते हैं बाय इशूइंग देम अपॉइंटमेंट लेटर्स. फिर
दे आर आस्क्ड टू ज्वाइन द ड्यूटी एक स्पेसिफिक डेट पर. जनरली जो कैंडिडेट्स है दे आर अपॉइंटेड कुछ प्रोबेशन या ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हो. प्रोबेशन पीरियड इन द सेंस यू विल गेट मनी बट स्टिल यू आर नॉट अ टेम्पररी पर्सन. अभी आपको हो सकता है कि कंपनी जो है 1 महीने 15 दिन की नोटिस दे करके आपको बाहर कर दे, तो वो समझा करो दिस इज प्रोबेशन काइंड ऑफ पीरियड. देन नो सिलेक्शन प्रोसीजर इज फुल प्रूफ. ये ओके. नो सिलेक्शन प्रोसीजर इज फुल प्रूफ एंड द बेस्ट वे टू जज अ पर्सन बाय ऑब्जर्विंग वर्किंग ऑन द जॉब कैंडिडेट्स हु गिव सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड. अब उसके बाद उनको परमानेंट कर दिया जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद फाइनली एक पर्सन को प्लेसमेंट मिल जाता है. तो प्लेसमेंट में यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है दीज आर पुट अप एंड पोस्टेड ऑन अप्रोप्रिएट जॉब. सो प्लेसमेंट क्या होती है, असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब एंड वर्क प्लेसेस टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है. उस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उसको काम देना कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये करना तुम्हें, तो फिर उसको हम प्लेसमेंट कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स मैचिंग द कैंडिडेट एंड द जॉब. अब उसे एक पर्टिकुलर जॉब पे उसको रख देना कि ये तुम्हारा काम है, तुम इसको करो, इस प्लेसमेंट. देन ये जो प्रॉपर प्लेसमेंट है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव कि उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो अच्छी हो, सैटिस्फाइड रहे वो अपने काम से. वाइल प्लेसिंग द एम्प्लॉयज जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की और कैंडिडेट की दोनों ही कंसिडरेशन में ली जाती है. ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कुछ नहीं समझ में आया यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. बेस्ट विशेज. थैंक यू.